प्रश्न नंबर एक, गाई यात्रा कसले चलाएका थिए? ऑप्शन ए जगत प्रकाश मल्ल, ऑप्शन बी प्रताप मल्ल, ऑप्शन सी मानदेव, ऑप्शन डी रण बहादुर शाह। साथी यस प्रश्न सही जवाब रहेछ ऑप्शन बी प्रताप मल्ल। प्रश्न नंबर दुई, नेपालको सबभन्दा सानो प्रदेश कुन हो? ऑप्शन ए बागमती प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्णाली प्रदेश, ऑप्शन डी लुम्बिनी प्रदेश। साथी यस प्रश्न सही जवाब रहेछ ऑप्शन सी कर्णाली प्रदेश। प्रश्न नंबर तीन, माहौरी को कतिवटा आँखा हुन्छ? ऑप्शन ए चारवटा, ऑप्शन बी दसवटा, ऑप्शन सी पांचवटा, ऑप्शन डी आठवटा। साथ ही प्रश्न सही जवाब रहेछ ऑप्शन सी पांचवटा। प्रश्न नंबर चार, नेपाल को राष्ट्रीय गान में कति अक्षर रहेको छ? ऑप्शन ए 120 अक्षर, ऑप्शन बी 130 अक्षर, ऑप्शन सी 140 अक्षर, ऑप्शन डी 128 अक्षर। साथ ही प्रश्न सही जवाब रहेछ ऑप्शन डी 128 अक्षर। प्रश्न नंबर पांच, नेपाल को सबभन्दा पुरानो धर्म कुन हो? ऑप्शन ए हिंदू धर्म, ऑप्शन बी शैव धर्म, ऑप्शन सी ईसाई धर्म, ऑप्शन डी मुस्लिम धर्म। सत्रवेश प्रश्न से जवाब रहेछ ऑप्शन बी शैव धर्म। प्रश्न नंबर छ, वाईफाई को पूरा रूप के हो त? तपाईको अप्सन पक्का छन्। ऑप्शन ए वायरलेस नेटवर्क, ऑप्शन बी वायरलेस टेक्नोलॉजी वाईफाई, ऑप्शन सी वायरलेस फिडेलिटी, ऑप्शन डी वायरलेस। साथ रेस प्रश्न से जवाब रहेछ ऑप्शन सी वायरलेस फिडेलिटी। प्रश्न नंबर सात, कति पैसा बराबर एक आना हुन्छ? ऑप्शन ए 10 पैसा, ऑप्शन बी 4 पैसा, ऑप्शन सी 10 पैसा, ऑप्शन डी 50 पैसा। साथी यस प्रश्नको जवाब रहेछ ऑप्शन बी 4 पैसा। प्रश्न नंबर आठ, टाउकोमा गर्भधारण गर्ने जीव कुन हो? ऑप्शन ए कमिला, ऑप्शन बी उडुस, ऑप्शन सी मुसा, ऑप्शन डी डेपारो। साथी प्रश्नको जवाब रहेछ ऑप्शन बी उडुस। प्रश्न नंबर नौ, विश्वको सबभन्दा ठूलो जीव कुन हो? ऑप्शन ए ऊँट, ऑप्शन बी जिराफ, ऑप्शन सी ब्लू व्हेल, ऑप्शन डी किंग कोबरा। साथी प्रश्न से जवाब रहेछ ऑप्शन सी ब्लू व्हेल। प्रश्न नंबर दस, 50 कठामा कति बीघा हुन्छ? ऑप्शन ए 2 बीघा, ऑप्शन बी 4 बीघा, ऑप्शन सी 3 बीघा, ऑप्शन डी 2.5 बीघा। साथी यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ ऑप्शन ए 2.5 बीघा। प्रश्न नंबर 11, प्याज को वैज्ञानिक नाम के हो? ऑप्शन ए अनियन, ऑप्शन बी प्याज, ऑप्शन सी अलियम सीप, ऑप्शन डी फेनोफेट। साथी यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ ऑप्शन सी अलियम सीप। प्रश्न नंबर 12, नेपालको श्रीलंका भनेर कुन ठाउँलाई चिनिन्छ? ऑप्शन ए कोशी टापुलाई, ऑप्शन बी मेचीलाई, ऑप्शन सी सरमाथालाई, ऑप्शन डी नारायणीलाई। साथी यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ ऑप्शन ए कोशी टापुलाई। प्रश्न नंबर 13, पानीको स्वाद कस्तो हुन्छ? तपाईको अप्सन तल दिएका छन्। ऑप्शन ए अमिलो, ऑप्शन बी टर्रो, ऑप्शन सी गुलियो, ऑप्शन डी पीरो। साथी यस प्रश्नको सही जवाब रहेछ ऑप्शन बी टर्रो। प्रश्न नंबर 14, नेपालमा कारागार नभएको जिल्ला कुन हो? ऑप्शन ए
काठमांडू, ऑप्शन बी धनुषा, ऑप्शन सी रोहतक, ऑप्शन डी मकवानपुर। सत्रह प्रश्न से जब रहे ऑप्शन डी मकवानपुर। प्रश्न नंबर 15, नेपाली भाषा को महाकवि भनी कसले चिनिन्छ? ऑप्शन ए सिद्धिदास अमात्य, ऑप्शन बी भानुभक्ताचार्य, ऑप्शन सी डोरमणि पौडेल, ऑप्शन डी लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। सत्रह प्रश्न से जब रहे ऑप्शन डी लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। प्रश्न नंबर 16, नेपालमा कति प्रजाति का चरा छन्? ऑप्शन ए 720 प्रजाति का, ऑप्शन बी 820 प्रजाति का, ऑप्शन सी 880 प्रजाति का, ऑप्शन डी 887 प्रजाति का। सत्रह प्रश्न से जब रहे ऑप्शन डी 887 प्रजाति का। प्रश्न नंबर 17, विश्व में सबभन्दा बड़ी बाघ पाइने मुलुक कुन हो? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका। सत्रह प्रश्न से जब रहे ऑप्शन सी भारत। प्रश्न नंबर 18, कुन तरकारी खादा रगत शुद्ध हुन्छ? ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी स्याउ, ऑप्शन सी करेला, ऑप्शन डी प्याज। सत्रह प्रश्न से जब रहे ऑप्शन सी करेला। प्रश्न नंबर 19, घोड़े यात्रा कहिले मनाइन्छ? ऑप्शन ए चैत्र महीना में, ऑप्शन बी वैशाख महीना में, ऑप्शन सी भदौ महीना में, ऑप्शन डी असोज महीना में। सत्रह प्रश्न से जब रहे ऑप्शन ए चैत्र महीना में। प्रश्न नंबर 20, विश्व वातावरण दिवस कहिले मनाइन्छ? ऑप्शन ए जून में, ऑप्शन बी मार्च में, ऑप्शन सी सेप्टेम्बर में, ऑप्शन डी नोवेम्बर में। सत्रह प्रश्न से जब रहे ऑप्शन ए जून महीना में। प्रश्न नंबर 21, नया कीर्तिमान कायम करने खिलाड़ी कुन हो? ऑप्शन ए निर्जला कार्की, ऑप्शन बी जीवन तमकार, ऑप्शन सी करिश्मा कार्की, ऑप्शन डी उमाशंकर। सत्रह प्रश्न से जब रहे ऑप्शन सी करिश्मा कार्की। प्रश्न नंबर 22, विश्व भ्रमण करने पहले व्यक्ति को हो? ऑप्शन ए डेनिस टिटो, ऑप्शन बी पाइथागोरस, ऑप्शन सी बंदा राइनक, ऑप्शन डी बेलग्लान। सत्रह प्रश्न से जब रहे ऑप्शन ए डेनिस टिटो। प्रश्न नंबर 23, नेपालमा मात्र पाइने फल कुन हो? ऑप्शन ए काफल, ऑप्शन बी सुन्तला, ऑप्शन सी लप्सी, ऑप्शन डी जमुना। सत्रह प्रश्न से जब रहे ऑप्शन सी लप्सी। प्रश्न नंबर 24, नेपालको नक्सासँग मिल्दो आकृति भएको जिल्ला कुन हो? ऑप्शन ए रोल्पा जिल्ला, ऑप्शन बी बागलुङ जिल्ला, ऑप्शन सी बागमती जिल्ला, ऑप्शन डी भेरी जिल्ला। सत्रह प्रश्न से जब रहे ऑप्शन बी बागलुङ जिल्ला। प्रश्न नंबर 25, पोखरा विश्वविद्यालय कहाँ रहेको छ? ऑप्शन ए विराटनगर में, ऑप्शन बी चितवन में, ऑप्शन सी कास्की में, ऑप्शन डी काभ्रेपाल्चोक में। सत्रह प्रश्न से जब रहे ऑप्शन सी कास्की जिला में। प्रश्न नंबर 26, नेपाल को सबभन्दा ठूलो स्तूप कुन हो? ऑप्शन ए बौद्धनाथ, ऑप्शन बी शम्भुनाथ, ऑप्शन सी धरहरा, ऑप्शन डी कुल्लानाथ। साथीहरु प्रश्न सुझाव तपाईहरु कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। साथीहरु यदि तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक गर्न मानाउनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नसार्नु होला। किनकि म सधैं यस्तैमा यस्तै भिडियो लिएर आउँदै रहन्छु। त साथीहरु म मिल्ने छु तपाईहरुसँग अगलो राम्रो भयो भने नेपाल। धन्यवाद एन्ड थ्यांक्स फर वाचिंग दिस भिडियो। ओके, बाय बाय फर टुडे।